दोस्तों क्या आपको स्टोरी सुनना पसंद है, भूत प्रेत की जो कहानियां हैं वो सुनना पसंद है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूं जहां से जो है आप अलग अलग स्टोरी सुन सकते हैं, भूत प्रेत की जो कहानियां हैं वो सुन सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, तो आप जो उसे रिकॉर्ड करके जो इस पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको जल्दी से ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसे यूज करना है वो पूरा प्रोसेस बताने वाले। पर उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फोन की स्क्रीन पे, जल्दी से आपको बताते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें जो आप भूत प्रेत की कहानी सुन सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है आपको बहुत सारे स्टोरी भी जो है वो सुनने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप जो है अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, तो आप जो है रिकॉर्ड करके इस पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आपको उस एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है हेडफोन। दोस्तों ये जो आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इसका लिंक दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने जो आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हेडफोन। तो दोस्तों इसमें जो आप दो तरह से लॉगिन हो सकते हैं, या तो आप अपने जीमेल अकाउंट से, या तो आप अपने फेसबुक आईडी से भी जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक आईडी से लॉगिन होने के लिए जो है आपको फेसबुक वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये सर्च लेगा ऑटोमेटिक, जो है आपके फेसबुक आईडी को जो है ये उठा लेगा। उसके बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितने सारे जो है वो आपको स्टोरी मिल जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि गांधी जी का स्टोरी आपको मिल जाता है, या आपको अब्दुल कलाम का जो है वो स्टोरी मिल जाता है। और आपको अगर भूत प्रेत का देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको भूत प्रेत का भी ऑप्शन जो है वो सबसे फर्स्ट में मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है हम आप आते हैं सर्च पर, तो दोस्तों अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए तो आप जो यहाँ से जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। तो हमें जो है वो सर्च नहीं करना है, तो हम बैक आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का आपको एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है किसी भी स्टोरी को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमें जो है दोस्तों अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हम बैक आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप मी के ऑप्शन पर जाते हैं तो आपका प्रोफाइल आपको दिख जाता है। उसके बाद आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं यहाँ, तो आप जो है यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो दोस्तों चलिए हम फिर से चलते हैं होम पेज पर, और आपको जो है एक दो स्टोरी जो है वो सुना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको जो बहुत सारे स्टोरी मिल जाएंगे, आप जो भी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो मैं जो आपको एक दो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। उस रात बहुत तेज बरसात हो रही थी जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बहुत अंधेरा था, रात का वक्त था। शिवम की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन किसी तरह हॉस्टल पहुंच ही गया, सामान वगैरह। और दोस्तों अगर इनका जो स्टोरी है वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं लाइक का भी ऑप्शन है, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो शेयर भी जो है वो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं दोस्तों आपको एक दो स्टोरी और सुना देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी जी का स्टोरी है, यहाँ पर अब्दुल कलाम का स्टोरी, तो मैं वो भी सुना देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप इनका भी जो स्टोरी सुन सकते हैं, आप जैसे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको जो बहुत सारी स्टोरी जो है वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। तो इसको भी मैं ओपन करके आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम। तो दोस्तों देखा आपने कि है ना बिल्कुल कमाल का एप्लीकेशन, जिसमें जो है आप जो चाहे वो सर्च करके भी कर सकते हैं, और आपको जो है वो होम पेज पे भी जो है वो बहुत सारे स्टोरी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन वो आप तक जाए सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।